नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू बोले, श्रृंखला टनल बनाने का रास्ता साफ, केंद्र ने दी एफसीए क्लीयरेंस। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों से श्रृंखला टनल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लाहौल और लद्दाख को जोड़ने के लिए 4.1 किलोमीटर सुरंग बनाने को एफसीए क्लीयरेंस दे दी है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण सुरंग के निर्माण को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है और विशेष अधिकारी नियुक्त कर केंद्र सरकार से स्वीकृति प्रदान कराए। सीएम ने कहा कि सुरंग के साथ साथ यहां एक हेलीपैड और कराली परिसर का निर्माण होगा। टनल के साउथ पोर्टल के साथ साथ लगभग 3800 मीटर हिस्सा हिमाचल प्रदेश में बनेगा। ग्रीन टैक्स बैरियर, मनाली में पर्यटकों को अगले सप्ताह मिलेगी फास्ट टैग सुविधा। आपदा से बैकफुट पर आई कुल्लू मनाली अब पटरी पर आने लगी है। मनाली के आलू ग्राउंड के पास स्थापित ग्रीन टैक्स बैरियर पर अब फिर से ऑनलाइन फास्ट टैग सुविधा मिलने जा रही है। इन दोनों बैरियर में 3 दिनों से इसका ट्रायल चल रहा है। पर्यटन विभाग अगले सप्ताह से इस सेवा को सैलानियों की सुविधा के लिए शुरू कर देगा। पर्यटन सीजन में रोज 3,000 से 4,500 पर्यटक वाहन मनाली आते हैं। पिछले साल बरसात में आई आपदा के दौरान ब्यास नदी के रौद्र रूप में आलू ग्राउंड में स्थापित ऑनलाइन ग्रीन टैक्स बैरियर भी बह गया था। इसके बाद पर्यटन विभाग ने आपदा को देखते हुए यहां ऑफलाइन भी सैलानियों से ग्रीन टैक्स लेना बंद कर दिया था। सड़क की हालत ठीक होने पर अक्टूबर नवंबर के बाद से पर्यटन विभाग ने ग्रीन टैक्स लेना शुरू किया है। हिमाचल के कई भागों में एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार, जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 26 अप्रैल तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार है। वहीं चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। आज भी कई भागों में बारिश की संभावना है। अंधर चलने का भी येलो अलर्ट है। शिमला में भी धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। सुंदरनगर के जड़ोल में वॉल्वो और ट्रक की टक्कर, आधा दर्जन यात्री घायल। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर सुंदरनगर के जड़ोल में सड़क पर शनिवार सुबह बैल को बचाते हुए वॉल्वो बस ट्रक के साथ जा टकराई। इस हादसे में वॉल्वो में सवार करीब आधा दर्जन सवारियों को चोटें आई हैं। हादसे में वॉल्वो और ट्रक चालक भी घायल हुए हैं। घायलों का उपचार नागरिक अस्पताल में करवाया गया है। सुंदरनगर थाना में हादसे को लेकर प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 6 बजे दिल्ली से मनाली जा रही वॉल्वो बस जब सुंदरनगर के जड़ोल पहुंची तो सड़क पर बैल को बचाते हुए तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर बिलासपुर की ओर जा रहे ट्रक के साथ जा टकराई। चंबा में खाई में गिरी कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा हादसा हुआ है। चकौली कंदवारा हिमगिरी मार्ग पर खड़जोता पंचायत के लहरा के पास एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत और एक घायल हुआ है। मृतकों की पहचान नागेश पुत्र वंशुराम गांव सियोल डाकघर लहरा तहसील सलोनी जिला चंबा और चतुराम पुत्र चुन्नी लाल गांव लहरा तहसील सलोनी जिला के रूप में हुई है। जबकि दुर्घटना में कुलदीप पुत्र भागमल गांव ढल्ला जिला चंबा घायल हो गया है। सीएम सुक्खू बोले, श्रृंखला टनल बनाने का रास्ता साफ, केंद्र ने दी एफसीए क्लीयरेंस। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों से श्रृंखला टनल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लाहौल और लद्दाख को जोड़ने के लिए 4.1 किलोमीटर सुरंग बनाने को एफसीए क्लीयरेंस दे दी है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण सुरंग के निर्माण को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है और विशेष अधिकारी नियुक्त कर केंद्र सरकार से स्वीकृति प्रदान कराए। सीएम ने कहा कि सुरंग के साथ साथ यहां एक हेलीपैड और कराली परिसर का निर्माण होगा। टनल के साउथ पोर्टल के साथ साथ लगभग 3800 मीटर हिस्सा हिमाचल प्रदेश में बनेगा। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव 6 सीटों के लिए आवेदकों की जिताऊ क्षमता जांचेगी कांग्रेस। हाईकमान को भेजे जाएंगे नाम। हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव लड़ने के इच्छुक आवेदकों की जिताऊ क्षमता जांचने को कांग्रेस सर्वे करवाएगी। सर्वे में टॉप 3 स्थान पर रहने वाले आवेदकों के नाम पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंथन करेंगे। हर विधानसभा से 2-2 संभावित उम्मीदवारों के नाम हाईकमान को भेजे जाएंगे। इस माह के अंत तक प्रत्याशी तय होने के आसार है। सुजानपुर, बड़सा, कोटलीहड़, गगरेट, लाहौल स्पीति और धर्मशाला में विधानसभा उपचुनाव होना है।
रात को बिस्तर में आग लगने से जिंदा जला व्यक्ति बंजार के बट्ठाहड़ में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के बट्ठाहड़ में एक व्यक्ति आग लगने से जिंदा जल गया है। घटना शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे की है। इसमें बट्ठाहड़ के रहने वाले जीवनलाल की कमरे में बिस्तर में आग लगने से मौत हुई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। बंजार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बंजार अस्पताल लाया, जहाँ पोस्टमार्टम किया जाएगा। ग्राम पंचायत मशियर की प्रधान शांता देवी ने कहा कि व्यक्ति की मौत का पता सुबह लगा है। मृतक अपने कमरे में अकेला सोया हुआ था। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेय ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।